खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां बहुजन समाज पार्टी ने तो 42 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों में भी हलचल मची हुई है। अब देखना बाकी है कि चुनाव से कितने दिन पहले और पार्टी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन जो भी हो, बसपा ने अपने प्रत्याशी को हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसका जोर शोर क्षेत्र में चल रहा है, जिसमें बसपा प्रभारी प्रत्याशी फिरे सिंह गुर्जर ने अभी से ही सर्व समाज के लोगों को साथ में लेकर चलने की पहल शुरू कर दी है, जिसमें मंगरोला से लेकर क्षेत्र के हर गांव हर गली में लेकर फिरे सिंह गुर्जर लोगों की हर सभा में पहुंचकर अपील कर रहे हैं कि बहुत हुआ, अब अत्याचार, अब परिवर्तन की लहर है, अब बसपा सरकार बनने जा रही है, जिसमें बसपा जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक सभी ने सभाओं में पहुंच कर हकीकत से लेकर उन्होंने बताया कि बसपा पार्टी सबके हितेशी की पार्टी है, सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी बसपा है। अब वो दिन दूर नहीं जो हसनपुर विधानसभा से बसपा की सीट निकलकर सबसे पहले लखनऊ पहुंचेगी। अमरोहा उत्तर प्रदेश से दीपक कुमार की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें। सर, समाज हमारे साथ है और परिवर्तन की लहर है। बहुजन समाज पार्टी 5 बार सरकार में आ रही है। बहन कुमारी मायावती 5 बार सत्ता में जा रही है। लखनऊ में 5 बार सपा। तो अमरोहा में जो है हसनपुर विधानसभा 42 में अभी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी तो अपना प्रत्याशी 7 दिन पहले उतारती है, किसी को भी उतार दे। हम जमीन पे काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी जो सबको साथ लेकर चलती है। हम सर्जन हिसार की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले 42 नंबर सीट जीत से लखनऊ पहुँचे।